दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऋषभ पंत जिताएगा भारत को T20 वर्ल्ड कप। अरुण जेटली के मैदान पर लखनऊ के खिलाफ दिल्ली की ऐतिहासिक जीत के बाद ऋषभ पंत के सपोर्ट में उतर आई खिलाड़ियों की पत्नियां, और फिर उन्होंने ऋषभ पंत की तारीफ करते हुए करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। खासकर अनुष्का शर्मा से लेकर ऋतिका सजदे, यहां तक कि धोनी की पत्नी साक्षी, वहीं जडेजा की पत्नी रेवावा ने भी पंत की कर दी है तारीफ। कैसे दिल्ली को मिली ऐतिहासिक जीत, और दिल्ली की जीत के बाद इन सभी पत्नियों ने क्या कुछ दिया ऋषभ पंत को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान, ये अभी हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, दिल्ली कैपिटल इस बार IPL की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जॉइंट के बीच अरुण जेटली के मैदान पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में दोनों टीमों ने कुछ ऐसा खेल दिखाया जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। जी हाँ, टॉस लखनऊ ने जीता था और पहले दिल्ली को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 20 ओवर में लखनऊ के सामने 4 विकेट खोकर 208 रनों का पार जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस मैच में दिल्ली की तरफ से सबसे अधिक रन अभिषेक ने 35 गेंद पर 58 रनों की पारी खेली थी। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। 44 रनों के स्कोर पर टीम के 4 बल्लेबाज पवेलियन ले जा चुके थे। निकोलस पूरन ने अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह भी 61 रन बनाकर पवेलियन लौट गया, और अंत में शब्द खान भी अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। मगर एक तरफ से विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर रहा था, जिसके कारण अरशद अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। ये मुकाबला दिल्ली की टीम ने बड़ी आसानी से 19 रनों से अपने नाम कर लिया, और इस जीत के साथ दिल्ली की उम्मीद प्लेऑफ में जाने की बढ़ गई और पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। यहां तक कि उनके खेमे में खुशी की लहर थी, खिलाड़ियों के चेहरे पर जीत की झलक दिख रही थी और हर तरफ ऋषभ पंत की तारीफ होने लगी। वहीं ऋषभ पंत की बेहतरीन कीपिंग के साथ साथ उनकी शानदार कप्तानी देखकर केवल पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि बड़े बड़े खिलाड़ियों की पत्नियां भी इनकी मुरीद हो गई, और फिर ऋषभ के लिए तारीफों के कसीदे पढ़कर हर किसी को हैरान कर दिया। तो चलिए, अब हम आपको इन सभी पत्नियों के बयान को सुनाते हैं, किन किन लोगों ने पंत को लेकर दिया दिल जीत लेने वाला बयान। दिल्ली की जीत के बाद विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने ऋषभ पंत को लेकर बयान देते हुए कहा है, वाह ऋषभ, जबरदस्त कप्तानी देखने को मिल रही है, बेहतरीन बल्लेबाजी का भी नजारा दिखाया, मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। मुझे लगता है ऋषभ इस बार टीम को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जरूर दिला देंगे, क्योंकि वह शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली ने सफर तय कर लिया है, अद्भुत कप्तानी देखने को मिली, वेल डन ऋषभ। यहां ऋषभ पंत की तारीफ करते हुए रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने भी बयान देते हुए कहा, वाह, दिल्ली ने यादगार जीत दर्ज की है, मैं ऋषभ पंत की जितनी तारीफ करूं कम है, बेहतरीन बल्लेबाजी कप्तानी दिखाई है और टीम को यहां तक का सफर भी तय कराया है। मुझे लगता है दिल्ली कहीं ना कहीं IPL के फाइनल में दिख सकती है, बेहद मजबूत टीम नजर आ रही है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। दिल्ली की जीत के बाद ऋषभ पंत को लेकर बयान देते हुए जडेजा की पत्नी रेवावा ने कहा, दिल्ली शानदार प्रदर्शन कर रही है, अपने हर एक मैच को जीत रही है और मैं पंत की जितनी तारीफ करूं कम है, वह शानदार कप्तानी कर रही और अपनी टीम के लिए सब कुछ करने को तैयार है, उन्होंने अपनी टीम को यहां तक का सफर तय कराया है, मुझे लगता है कि वह क्वालिफाई भी कर जाएंगे और बेस्ट ऑफ लक ऋषभ। वहीं धोनी की पत्नी साक्षी भी ऋषभ पंत की पैरवी करते हुए कहा, ऋषभ पंत शानदार फॉर्म में लग रहे हैं, अपनी टीम को यहां तक का सफर तय कराया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, मुझे लगता है ऋषभ पंत आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए दूसरे धोनी हो सकते हैं और उनके अंदर सभी लक्षण धोनी वाले नजर आते हैं, बेस्ट ऑफ लक ऋषभ। तो दोस्तों, देखा आपने, खिलाड़ियों की पत्नियां भी ऋषभ के लिए तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए किसी को हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत इस बार अपनी टीम दिल्ली कैपिटल को IPL की ट्रॉफी दिला पाएंगे नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।